हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के लिए। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं भारत के भूगोल से, चाहे वो प्री का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, दोनों जगहों पे बहुत ज्यादा रोल निभाता है। अगर हम बात करें पीटी में, जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में, तो वहां पे लगभग 20% क्वेश्चन ज्योग्राफी से या तो सीधे सीधे होते हैं या उससे जुड़े होते हैं। मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, कभी भी 15 से कम नहीं जाएगा। और 2016 की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई थी ज्योग्राफी से, जब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ मिला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट दोनों मिला के पार्टी होता है। भूगोल की खास बात क्या है कि ये सभी विषयों का पिता या माता माना जाता है, क्योंकि सारे विषयों का जन्म भूगोल से ही होता है। हम लोग भूगोल करेंगे एक एक लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। आज पहले दिन की क्लास है, तो हम जो शुरुआत करेंगे, जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में पता होगा, तो उसी सिलेबस को आज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक करते हैं और फिर सिलेबस के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो आता है प्री में और एक आता है मेंस में। मेंस में जो पेपर है आपका जीएस का पेपर नंबर 1, उसमें आता है ज्योग्राफी के लिखने वाले क्वेश्चन, और उसमें जो उनकी मार्किंग होती है लगभग 100 नियर अबाउट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि ज्योग्राफी या भूगोल से होते हैं। और भारत के भूगोल के उसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। आपदा प्रबंधन के भी क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, जो भूगोल का ही एक पार्ट होता है। तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर यहाँ पे बात करें कि पीटी और मेंस दोनों को लेकर चलें, सबसे पहले तो जरूरी है कि हम पीटी को कैसे क्वालिफाई करें, कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास भूगोल का सामान्य समझ और भारत की सामान्य समझ ज्योग्राफी का होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल की। आपके सामने मैप बना हुआ भारत का भूगोल। अगर हम बात करें कि भारत के भूगोल में पढ़ना क्या क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, सीधे टॉपिक पर आएंगे, ज्यादा डिटेल में उधर नहीं जाएंगे। तैयारी कैसे करें ये सब धीरे धीरे आपको क्लास वाइज बताते चलेंगे। आप एक अब काम करिएगा, अपना नोटबुक निकाल लीजिएगा और नोटबुक में ये अपनी एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा और इसे लिखते चलिएगा, क्योंकि क्लास है, रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास मिलता रहेगा, तो जरूरी है कि आपको इन चीजों के बारे में समझ बनी रहे। केवल देखने से काम नहीं बनेगा। मेरा क्लास जो होगा, मैं नोट्स बनवाने में ज्यादा फोकस करता हूं, ताकि कल जब आप पढ़ें तो आपको चीजें समझ में आ जाएं। ओके, चलेगा। तो हम पहले बात करते हैं कि हमें भारत का जो भूगोल है इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग जरूर पढ़ेंगे कि भूगोल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हटा देते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ये हमारा भारत का जो भूगोल था, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं और बात करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या क्या है, या इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक होता है वो तो होता है भौतिक स्वरूप। इसके अलावा होता है राजनीतिक स्वरूप। देखो यहां पे मैं आपको बता दूं, भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमें दिखाई देते हैं कि हमारे भारत में पाए जाते हैं पर्वत, पठार, मैदान, ये हमें सब दिखाई देता है। और राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो ये भी हमें दिखाई देता है। जैसे हम शहर प्रणाली की बात करें, शहरी प्रणाली कि कौन कौन से सिटी हैं, कौन कौन से शहर हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था, बेंगलुरु, दिल्ली और विशाखापट्टनम, ये एक ही देशांतर में कौन कौन पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन क्या है, इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके शहरी प्रणाली में राजनीतिक स्वरूप आ जाता है। इसके अलावा भारत के भूगोल में इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कितने राज्य हैं और उन राज्यों की सीमाएं क्या हैं, भारत की सीमाएं क्या हैं, ये सब कुछ हम इस राजनीतिक स्वरूप में देखते हैं। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो होता है अपवाह। अपवाह तंत्र की बात करें तो यहां पे हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नदी से पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर में वेटलैंड से, जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी में अपवाह में झीलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो नदियां होती, नदी तंत्र या डेल्टा आप जानते होंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियों में क्वेश्चन 2 तरह के होंगे, एक तो क्वेश्चन होंगे उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां, इस तरह से पार्ट इनके बढ़ जाते हैं।
इसके बाद कुछ अन्य चीजें आती हैं जैसे संसाधन। भारत में किस प्रकार से संसाधन का वितरण है? संसाधन का वितरण अगर हम बात करें कौन कौन से संसाधन है और उनका वितरण किस तरह से होता है उसकी बात करते हैं। जैसे मानव संसाधन, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों के बीच का पार्ट होता है। तो हम इसे बेसिकली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जिसमें हम मानव के बारे में देखते हैं, जनसंख्या इसे कहते हैं जनसांख्यिकी। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है ये क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखेंगे संसाधन में कृषि भी एक प्रकार से संसाधन है। कृषि में क्या चल रहा है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो, जायद की हो, या फिर कौन सी यहाँ पे मृदा आती है कि किस मिट्टी में कौन सी कृषि की जाती है, ये सभी प्रकार के संसाधन यहाँ पे आते हैं। देखो राजनीतिक में सड़कें, जैसे सड़क पूछे जाता है, पोर्ट बंदरगाह पूछे जाते हैं, तो भी राजनीतिक स्वरूप में ही हम पढ़ते हैं तो आसानी रहती है। सड़क भारत के, चाहे वो जल मार्ग हो या फिर वो चाहे आपका हवाई वाला हो सकता है, बंदरगाह हो सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं बंदरगाह या पोर्ट जिसे कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि अभी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किसका नाम रखा गया, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कृषि हो गया और मृदा हो गया, मानव हो गया, ये सब इसमें टॉपिक है भारत के भूगोल में, जहां से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन यहां से छोड़ा जाता है। यूपीएससी अपना सिलेबस सामने रखता है और फिर इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करता है, तो पर्वत से भी क्वेश्चन आना ही आना है, पठार से भी आना है, मैदान से भी आना है। और यहीं पर जब आप यहां पे देख रहे हो संसाधन, तो यहां पर वनस्पति संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान है, इन्वायरमेंट का है, लेकिन वो तो ज्योग्राफी होगी ना कहीं रखा होगा। और जंगल भी हमारी एक संपत्ति होती है, एक संसाधन रिसोर्स होता है, तो वनस्पति में कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, सदाबहार हो, पर्णपाती हो, वो यहां पे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो हर जगह से अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हर साल बराबर क्वेश्चन पूछे जाते, कुछ छोड़ता नहीं है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो हमें क्या करना है कि हम जब पढ़ाई के क्रम में हैं तो हम एक एक चीज को यहां पर लेकर चलें, कुछ छोड़े नहीं। भौतिक स्वरूप की सबसे पहले बात करते हैं, तो यहां पे हमें पर्वत है, पठार है और मैदान है। हम एक एक करके क्रम से इन सारे सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। ये जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये सब कुछ अगर आपको देखना है तो जो जीएस का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें ये सारी टर्मिनोलॉजी लिखी होगी, तो वहां से हमें मिल जाता है कि हाँ इसके बाहरी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हम उसका टॉपिक नंबर एक या भौतिक स्वरूप से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाते हुए लेकर चले जाएंगे। आपको पसंद आएगा तो हम आगे भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो चलते हैं हम लोग सीधे भौतिक स्वरूप की बात करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, भौतिक का मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हमारी नजरों के सामने, से भौतिक स्वरूप कहा जाता है। जैसे भारत की अगर आप बात करें, आप किसी भी एक स्थान पर खड़े हो जाइएगा भारत में और वहां से देखना शुरू कीजिएगा आपको कौन कौन सी चीजें यहां पर दिख रही हैं। इसी तरह से सिलेबस इसका डिफाइन किया गया होगा, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उनको देखेंगे तो आपके सामने खुद ही आ जाएगा कि हाँ यार यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, इसके बिना यहां पे बात नहीं बनेगी, 100% आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिएगा कि आप एक व्यक्ति हैं और आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं भारत में हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं, जो दिखाई दे रहा है वही हमारा भौतिक स्वरूप होता है, वही से हमें समझना, वही हमें पढ़ना है। आप खुद देखिएगा कि आपको यहां से कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जब आप देखेंगे तो भारत में आपको ऊपर से अगर देखना शुरू करें एक क्रम से, चूंकि आप पढ़ रहे हैं और आप एक सभ्य सिविलाइज व्यक्ति हैं और सिविलाइज जनरेशन की ही आगे अगली संतान है, टेक्निकल रूप से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, तो हम एक तरफ से क्रम से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप देखते हो तो आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, ये सारे राज्य आपको दिखेंगे जो आप किसमें पढ़ते हो, राजनीतिक परिदृश्य में पढ़ते हो, भूगोल में ही। हम बात करते हैं ये जो जम्मू कश्मीर है, अगर हम इसका नाम ना रखते तो यहां क्या दिखाई देता? तो यहां पर आपको जरूर पता होगा कि सर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है हिमालय,
यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, हिमालय पर्वत दिखाई देता है। ये वाले जो रीजन है यहां पे पूरा ये हिमालय का क्षेत्र होता है, यहां बर्फ जमी होती है। ये नेपाल है, ये सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, बस आपको बने रहना है। आपके दिमाग में ये मैपिंग में भर दूंगा, रटवा दूंगा, याद करवा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा, आपके बने रहेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। भौतिक स्वरूप की ये जो ऊपर का क्षेत्र जहां पर पर्वत पठार दिखाई देते हैं। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा राजस्थान और कच्छ के क्षेत्र में आ जाओ, जैसे कि आपको मैपिंग पता होगा ये राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो यहां पर आपने जरूर सुना होगा कि यहां पर थार का मरुस्थल है। तो इसका मतलब ये भी एक भौतिक स्वरूप है जो कि बड़े क्षेत्र को लिए हुए। क्यों? क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्या होता है, स्टेट है, राज्य है। तो हम हिमालय के साथ हमें पढ़ना पड़ता है क्या, रेगिस्तान या मरुस्थल। देखिए यहीं से हमें सिलेबस पूरा मिल रहा है कि मरुस्थल भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। थोड़ा सा और आगे जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर गंगा नदी निकलती है, और जब गंगा नदी निकलेगी तो जाहिर सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ एक नई संरचना हो जाएगी, और उससे जो मिट्टी आती है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से वो बराबर कर देती है, और यहां पर आपका बन जाता मैदान। यहां पर कौन सी संरचना बनती है, मैदान की या प्लेन की? तो हमारा यही सिलेबस हो जाएगा, मैदान। हम इसे मैदान केवल नहीं कहते, क्योंकि ये उत्तर भारत का है तो कई बार हम इसे उत्तर का मैदान भी कह देते हैं। जैसे ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है तो इसे हम उत्तर का मैदान भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा, ये एक चिकन नेक के आगे का जो एरिया है ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वहां पे जनजाति बहुत ज्यादा है, सांस्कृतिक विरासत हमारे यहाँ की वहां पे पनपी है, बची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट का भी यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। आप ये मान लीजिएगा कि हर साल भौगोलिक स्वरूप से एक क्वेश्चन फिक्स है यूपीएससी, इसके बिना पेपर बना ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आएगा उत्तर पूर्वी भारत या पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र? तो यहां पे उत्तर पूर्व का ये पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि मैपिंग में आप देखेंगे तो जब कभी भी हम कोई भी आकृति बनाते हैं तो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, उत्तर, और इस दिशा में होता पूर्व, इधर होता वेस्ट, और यहां पर होता साउथ। तो अगर आप भारत की मैपिंग इस तरह से बनाएंगे तो आपका ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा, ये पूर्व और ये उत्तर। तो दोनों को मिक्स करके यहां पे नाम क्या रखा जाता है, उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं। ये वाला रीजन जो है आपका, इसको आप किस रूप में पढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी भारत। इसके बाद आप आएंगे तो ये जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, हल्का सा उड़ीसा वाला क्षेत्र, इस रीजन की अगर हम बात करते हैं, ये वाला, तो यहां पर कुछ कुछ पहाड़ियां हैं। जैसे आपने सुना होगा अजंता एलोरा, नाम सुना होगा, तो ये खजुराहो के मंदिर आपने नाम सुना होगा। यहां पे बहुत सारी पहाड़ियां थी, आपने राजमहल सुना होगा, छोटा छोटा नागपुर सुना होगा, ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। और चूंकि ये भारत के बीच का क्षेत्र होता है, मध्य का होता है, तो हम इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चावच। क्या कहते हैं इसे, नाम हम देते हैं केंद्रीय उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच मतलब यहां पे जो चीजें कुछ बराबर हैं, यहां पर आपको पठार भी मिलेंगे, समतल। अच्छा, पठार किसे कहते हैं, जब हम पठार पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जब शब्द आ रहा है तो एक बार आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। पठार की बात करें तो सामान्य जगह से कुछ या 300 के आसपास ऊंचाई हो, 300 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई हो सामान्य रूप से। जैसे ये मान लीजिएगा मैदान है, लेकिन कोई एक जगह यहां इस तरह से उठ जाए 300, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पठार कहलाता, प्लेटो इंग्लिश में कहते हैं। तो यहां पे आपको पठार भी मिलते हैं, छोटी छोटी यहां पर पहाड़ियां भी मिलती हैं। इस जगह से अरावली पहाड़ी इस तरह से उठकर आगे तक जाती है, और यहीं पर आपको मिलेगा बहुत सारी छोटी छोटी गुजरात में पहाड़ियां मिलेंगी, जैसे क्या नाम है, चंद्रशेखर मिलेगा, हरिशन मिलेगा, बालाघाट मिलेगा, अजंता मिलेगा। तो छोटी छोटी यहां पे पहाड़ियां बहुत सारी मिलती हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्चावच। उच्चावच का मतलब उच्चावच, उच्चावच बराबर ऊपर नीचे को क्या कहा जाता है, उच्चावच। तो एक हमारा ये सिलेबस क्लियर हो गया। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आप दक्षिण में आ गए, और दक्षिण में आपको यहां पर केरल मिलेगा, इधर आपको मिलेगा कर्नाटक और तमिलनाडु, और ये साथ में केरल,
कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का, ये वाला दक्षिण भारत होता है। और यहाँ पे अन्नामलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी, कार्डमम, पालनी, बहुत सारी यहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, चोटियां मिलने वाली है, पहाड़ियां मिलने वाली है, मैदान भी है, जैसे आपने ऊटी वगैरह नाम सुना होगा, इस तरह की कुछ जगह भी मिल जाएंगी, खंडाला वगैरह, और बाकी का कुछ मैदान और कुछ पर्वत। जितनी भी साउथ में मूवियां शूट होती हैं, जैसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा, वहां पे वो दिखाते हैं जलप्रपात, तो जो जलप्रपात है कहीं ना कहीं ऊपर से पानी का गिरना ही जलप्रपात कहलाता है, तो इसका मतलब वो एरिया, वो जगह वहां पे होगी। हम इसे कहते हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, हम इसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। अगर हम इस सब को हम सिलेबस के रूप में देखना चाहें कि कितने टाइप के हमारे सिलेबस हो गए, तो एक तो हो गया हिमालय, दूसरा मरुस्थल, तीसरा मैदान, चौथा उत्तर पूर्वी भारत, पांचवा छठा, और एक अभी आपका रह गया, आप जानते होंगे यहां पर एक क्षेत्र जिसे आप कहते हैं लक्षद्वीप, यहां पर है अंडमान और निकोबार, ये क्या है, द्वीपीय संरचना है, ये भी भारत के अंग है। तो हम इस क्षेत्र को, ये जो ढाल है समुद्र की तरफ, ये जो ढाल है समुद्र की तरफ, जहां पे आप क्या कहते हो तटीय क्षेत्र, तो ये तटीय और द्वीपीय क्षेत्र एक साथ पढ़ा जाता है। भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो होता है, पश्चिमी घाट जिसे कहते हैं, वहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है रीजन, वो विश्व के हॉटस्पॉट में शामिल है, विश्व के सबसे बड़े स्थलों में जहां पर सभी प्रकार की वनस्पति मौजूद होती है, उसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। भारत में वैसे तो तीन है, लेकिन दो के रूप में हमने ज्यादा पढ़ते हैं, एक तो हमारा पश्चिमी घाट और एक नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये बड़ी संस्थाओं के द्वारा इनको नाम दिया जाता है, हॉटस्पॉट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इसे अगला एक टॉपिक, हमारे ये छह हो गए, और एक सातवां टॉपिक हम लिख लेते हैं यहां पे जो हमें और पढ़ना है, सेवेंथ नंबर का, वो हमारा क्या है, द्वीपीय एवं तटीय प्रदेश। इतने सारे टॉपिक हमें भारत के भूगोल में कंप्लीट करने हैं, जब हम केवल बात कर रहे हैं भौतिक स्वरूप की जो हमें दिखाई देता है, इसे आप कह सकते हैं कि ये भारत की मैपिंग की बात यहां पर बेसिकली चल रही है, लेकिन नहीं, मैपिंग के अलावा भी यहां पे बहुत सारे फैक्ट हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था कि यहां पर एक बैरन द्वीप है जहां पर भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो उस पर उसने चार पॉइंट बनाए थे, ये अंडमान उत्तरी में है, अंडमान दक्षिणी में है, यहां पर लोग रहते हैं, यहां पर लोग नहीं रहते हैं, ये कभी गायब हो गया था, फिर से इसमें उद्गार शुरू हुआ, ऐसे करके चार पॉइंट बनाए थे। तो कहीं ना कहीं हमें हर एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, तब हमारे क्वेश्चन एक भी छूटेंगे नहीं और गलत नहीं होंगे। तो इसकी दिशा में हम चलते हैं और शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, ये हमारा रहेगा मेन टॉपिक, जिसमें हम आज की क्लास में शुरू क्या करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम शुरू करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, क्योंकि ये क्रम से आता है तो क्रम से हम इसको ही शुरू करते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप फटाक से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां पे अगली क्लास में मिल जाएगा, है ना। और अब आगे चलते हैं, भारत के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला टॉपिक था हमारा हिमालय, तो नो डाउट हम आज हिमालय ही करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हिमालय में, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, और देख लेते हैं एक बार हिमालय, शुरू करते हैं। तो मेन अपना टॉपिक क्या रहेगा, हिमालय, शुरू करते हैं हिमालय। पहली चीज आती है कि हिमालय कहां है, हिमालय क्या है, और हिमालय में क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पे बात करें, अगर आप भारत का मैप आधा बनाएंगे इस बार, देखो ये है आपका जम्मू कश्मीर और उसके नीचे का पार्ट। मैं एक आपको और मैप बना देता हूं छोटा सा, ताकि आप समझ पाए कि किस जगह की हम बात कर रहे हैं।
ये अपना ओरिजिनल भारत है और इसी का हमने ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को कट करके यहां पे रख लिया, ये हमने इसको जूम करके आप ये मान लीजिएगा यहां पे रख लिया समझने के क्रम में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसे हिमालय को क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। हिमालय में है क्या क्या वो हमें एक तरफ से देखना है। पहली बात, हिमालय का जन्म कैसे हुआ। तो जब आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, तो वहां पे एक टॉपिक आता है कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ। तो वहां पे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वेगनर वगैरह ने बहुत सारी थ्योरी दी, हैरी हेस वगैरह लोगों ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तन की थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जब बनी थी तो वो पूरा एक गोला था और उसमें कुछ जगहों पर ऊपर की जो सतह थी वो सूख गई थी, उसके नीचे गला हुआ गर्म पदार्थ था जिसे मैग्मा कहा जाता है, और मैग्मा के ऊपर कुछ प्लेटें तैर रही थी, और प्लेटें चूंकि मैग्मा द्रवित था कुछ प्लास्टिक के रूप में था तो वो प्लेटें आपस में लड़ रही थी, तो वो एक दूसरे से दूर गई और एक दूसरे के पास आई। तो जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं तो एक कोई प्लेट नीचे की दिशा में मुड़ जाती है और एक कोई प्लेट ऊपर की दिशा में मुड़ जाती है। आपके बात समझ में नहीं आ रही होगी तो टेंशन की कोई बात नहीं है, रीजन हम अभी पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, हम यहां पर प्लेट विवर्तन की नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम वहां पर डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, समझने के क्रम में समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ हिमालय का निर्माण या हिमालय में पर्वतीय संरचना कैसे बन गई, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। बाकी हम पढ़ना भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज से लगभग 40 लाख साल पहले की बात है, ये हमारी पृथ्वी थी। पृथ्वी में दो खंड हुआ करते थे, एक का नाम था अंगारा लैंड, एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। ये दो प्लेटें थी या दो क्षेत्र थे जो सतह में थे, बाकी का जो एरिया था, बाकी का जो क्षेत्र था वो सारा का सारा पानी भरा हुआ था, जिसे आप पेंजिया कह रहे हो। यहां पे एक समुद्र था पूरे में एक, ये दो केवल स्थल थे, बाकी सब पानी से भरा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एक प्लेट है पृथ्वी की सतह में, मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी की सतह है, तो सतह के अंदर जब आप 200 किलोमीटर तक जाओगे तो 200 किलोमीटर तक तो आपको ये स्थल मिलेगा, इसके बाद अंदर का जो क्षेत्र वहां पर मैग्मा भरा होता है। मैग्मा मतलब जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो मैग्मा भरा होता है, और जब लोहा गर्म हो जाता है तो मुलायम हो जाता है, तो ये हल्का सा मुलायम या प्लास्टिक अवस्था में है और कोई भारी चीज उसके ऊपर रख दी गई है। जैसे मान लीजिएगा कि आपको हमने कहा कि पानी के ऊपर नाव में खड़े हो जाओ, तो जब आप नाव में खड़े होगे तो एक जगह पर आप नहीं रुकोगे, थोड़ा बहुत हिलते रहोगे। तो वैसे ही गोंडवाना और अंगारा लैंड, चूंकि पृथ्वी घूम रही थी, सूर्य का चक्कर लगा रही थी, तो ये भी दोनों हिलने लगे, और हिलने के क्रम में गोंडवाना लैंड ऊपर की दिशा में चलने लगा, और फिर ये दोनों का क्या हो गया, मिलाप हो गया। अब आप समझो कि एक तरफ से आ रहा है ट्रक, एक तरफ से आ रहा है कोई भी मोटरसाइकिल, ट्रक और मोटरसाइकिल का टक्कर कराओ तो ऊपर कौन जाएगा, ट्रक तो ऊपर नहीं जाएगा, मोटरसाइकिल वाला ऊपर उड़ जाएगा, मतलब जो हल्का है वो ऊपर चला गया, जो भारी है वो नीचे। तो इसका मतलब यह हुआ गोंडवाना लैंड का जो स्थल था, जो एरिया था, जो मास था, वो थोड़ा सा भारी था, तो भारी होने की वजह से यह नीचे चला गया, और यहां पे जो अंगारा लैंड था वो हल्का था तो हल्का ऊपर आ गया। दूसरी बात, कोई भी एक समुद्र होगा, कोई भी एक पानी का स्थल होगा, तो जाहिर सी बात है पानी के नीचे गाद होगा, मिट्टी होगी, सड़ी हुई मिट्टी, तो उसी तरह से यहां पर भी बहुत सारी सड़ी मिट्टी थी, या गाद था, या मलबा था, या अवसाद था। अवसाद का मतलब ही होता है मिट्टी, कीचड़। यहां पर बहुत सारा कीचड़ था, और जो कीचड़ था, जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कीचड़ ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे तो धसने की जगह है नहीं। आप सिंपल सा, आपकी ये शरीर है, आप इसे दो दिशाओं से दबाना शुरू करो तो हल्का सा जिग जैग बनना शुरू हो जाएगा आपके हाथ में। पेपर आप ले लीजिएगा, पेपर कैसे मुड़ेगा, तो जिग जैग बनना शुरू हो जाएगा। वैसा ही यहां पर भी इस तरह की आकृति बनना शुरू हो गई, और ये जो आकृति बनी इसे ही हम कहते हैं पर्वत, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। और इस माउंटेन का हम राम नाम रख दें या श्याम रख दें, लोगों ने शुरू से इसको नाम रखा हिमालय, तो आज भी हम इसे हिमालय ही कहते हैं। जैसे
आपसे पूछा जाए कि आपका नाम नरेंद्र मोदी क्यों है, अरे भाई मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मम्मी पापा ने रखा तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही इसका नाम हिमालय पड़ गया और ये जो एरिया था ये भारत का क्षेत्र था और ये जो इस तरह के जिगजैग बने ये हिमालय के रूप में भारत में जाने जाते हैं। तो हमारा जिगजैग इस तरह से यहां पर बनना शुरू हुआ, इस तरह से ये जिगजैग, जैसे पहली बार हल्का सा टक्कर हुआ तो एक जिगजैग बन गया, दूसरी बार टक्कर हुआ तो ये दूसरी पहाड़ियां बन गई, फिर इसके बाद एक बार और जिगजैग हुआ तो तीसरी पहाड़ियां बन गई, फिर इसके बाद एक बार और जिगजैग हुआ तो ये पहाड़ियां इस तरह से बन गई। तो कुल मिलाके जैसे जैसे टक्कर होता गया नई नई पर्वत श्रृंखलाएं बनती गई, श्रृंखला मतलब 1 2 3 4 5 6 श्रृंखला हो गई लाइन से, उसी तरह से पर्वत 1 पर्वत 2 पर्वत 3 पर्वत 4 5 6 मतलब ये पर्वतों का क्रम है जो बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो ये क्रम आगे बढ़ता बढ़ता चला जाए, इसलिए इनको श्रृंखला कहते हैं। एक होता तो पहाड़ या पहाड़ी, लेकिन अब पर्वतीय श्रृंखला हो गई क्योंकि बार बार बनती हुई चली जा रही है। तो यहां पर एक पर्वतीय श्रृंखला बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी और फिर इसके बाद पर्वतीय श्रृंखला नंबर चौथी बन गई। कई तरह से बनती गई, इन्हीं को समझना है कि यहां से लेकर यहां तक भी ये पर्वतीय श्रृंखला बनती चली जाती है। इसे हम नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो भूगोल है वो अलग है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे अलग से फ्रेश करेंगे, शॉर्ट टर्म से हम निपटाने वाले नहीं, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले उठाते हैं सर आखिर इनका नाम क्या है, जो आपने दो बनाए क्या इनके कुछ नाम भी अलग से, तो हाँ इनके भी अलग अलग से नाम रखे गए। जैसे आपके नानी के गांव का नाम कुक्कू हो सकता है, बुआ के नाम का गांव का नाम दूसरा हो सकता है, हो आप एक ही नाम अलग अलग, तो उसी तरह से इसके भी बहुत सारे नाम रखे गए अलग अलग क्षेत्रों में, हम उनकी बात करते हैं। इस मैप को यहां से हटा देते हैं और आगे चलते हैं। इसे आप लिखते जाइएगा, मैं धीरे धीरे लिख कर समझाता हूं, तो आप लिखो समझते जाओ और जो पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसे भी लिखते जाओ, काम देगा। जो हमारा हिमालय है, और एक बात आपको बता दें कि शब्दों में अगर आपको दिक्कत है तो उसे इंग्लिश में भी लिखते चलो, इस वजह से क्योंकि आपको इंग्लिश क्वालिफाई भी करना है, तो जितना इंग्लिश पढ़े रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होने वाला है। हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय में हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, तो हिमालय में हमें जो पर्वत मिले उनमें एक पर्वत का नाम है काराकोरम। काराकोरम किसे आप कह रहे हो, ये जो पहली वाली श्रेणी है इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, इसका इसका, तो वो मैं वही मैं आपको बता रहा हूं। एक का नाम है काराकोरम, एक का नाम है बृहद हिमालय, इसे ही आप कहते हो ग्रेट हिमालय, एक है आपका लघु हिमालय या लेजर हिमालय कहते हैं, और एक होता है शिवालिक। ये चार प्रकार के हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली फोटो में दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूं, देखिएगा। एक ये वाला जिसे आप कहते हो काराकोरम, एक ये वाला है, एक ये और एक ये, कुल मिला के इनके चार पॉइंट हैं, चार नाम है हिमालय के, ये सब डिवीजन होते हैं, सब पार्ट होते हैं। कोई बात नहीं, हम इनको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, हम देखते हैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, कोई भी दूसरा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज मैं यहां पर क्लियर करवा दूंगा उसके लिए दूसरा कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बने रहिएगा मेरे साथ और इस चैनल के साथ। बात करते काराकोरम की, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की। आपने देखा कि पर्वते तो बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये पर्वते अलग क्यों हुई, जब हिमालय उठ ही रहा था तो एक साथ वही पूरा हिमालय क्यों नहीं उठ गया, वो चार क्रम में क्यों उठा, एक बार में ही क्यों नहीं उठ गया, चार क्रम में क्यों, तो एक बार टक्कर हुआ, फिर कुछ दिन के बाद हुआ, फिर कुछ दिन के बाद हुआ और फिर कुछ दिन के बाद हुआ, तो लगातार अलग अलग ये टक्कर होता रहा और अलग अलग इनका निर्माण होता रहा। पीछे वाली फोटो में एक चीज और देखिएगा, ये वाली पर्वत श्रृंखला को अगर आप काराकोरम कह रहे हो, इसे ग्रेट हिमालय कह रहे हो, तो इन दोनों को अलग भी तो कोई कर रहा होगा, इन दोनों को अलग करने वाला भी तो कोई होगा, इन दोनों को अलग करने वाला भी तो कोई होगा और इसे भी तो कोई अलग कर रहा होगा, मतलब
कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि काराकोरम और बृहद हिमालय दोनों के बीच में कोई एक ऐसी संरचना होगी जो दोनों को अलग कर रही होगी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला शिवालिक और इसको अलग करने वाली भी एक संरचना जरूर होगी, और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संरचना है जो दोनों को अलग करती है। चलिए मैं आपको बताता हूं, काराकोरम और बृहद हिमालय को अलग करने वाली संरचना का नाम है ITSZ। इसका नाम होता है इंडियन सांगपो सतलज जोन। तो आप कहेंगे आई से तो इंडियन हो गया, सांगपो में यहां पे एस आना चाहिए था, टी क्यों आया? क्योंकि सांगपो की स्पेलिंग टी एस से शुरू होती है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, सांगपो, टी एस से सतलज और जेड से जोन। मतलब इन दोनों के बीच सतलज वाला कोई एरिया होगा जो इन दोनों को अलग कर रहा होगा। हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों के बीच भी कोई एक एरिया होगा जो अलग कर रहा होगा, उसे हम नाम देते हैं MCT। इसका मीनिंग क्या होता है, ये इंग्लिश में थोड़ा लिख लीजिएगा अच्छा लगेगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी तरह से इन दोनों को भी कुछ अलग कर रहा होगा, उसे कहते हैं MBF। इसका मतलब होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, इन दोनों के बीच में यह होता है। एक और बात, क्या शिवालिक हिमालय के बाद, आप पहले पेज में आइएगा थोड़ा सा, देखिएगा ये आपने बनाया क्या है, हिमालय, हिमालय के बाद मैदान शुरू हो गया, तो कुछ ना कुछ तो यहां भी होगा जो मैदान को हिमालय से अलग कर रहा होगा, दोनों को अलग करने वाला, वो भी एक संरचना होगी। ये तो आपने पढ़ लिया हिमालय, कोई बात नहीं, इसे भी तो अलग करने वाला कोई चाहिए, तो उस पर आते हैं, उसे क्या कहते हैं। इन इसके और आगे नहीं लिख पाया हूं, जगह कम है थोड़ा सा, इसके आगे हम चाहें तो लिख लें एक चौथा पॉइंट, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जो हमें पढ़ना नहीं है वो मैदान का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों को अलग करने वाली संरचना को कहा जाता है HFF। इसका इंग्लिश में मींस होता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालय को मैदान से अलग करने वाली संरचना, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अब इसे जब हम अपने मेंस की कॉपी में लिखेंगे आंसर राइटिंग में, तो वहां पर इसको कैसे दिखाएंगे, तो वहां पर हम इसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो आपका आता है तिब्बत का पठार, सॉरी तिब्बत नहीं, पामीर का पठार, गलत हो गया, एक मिनट, पामीर का पठार, पामीर के पठार के साथ ही आपका शुरू हो जाता है ट्रांस हिमालय। इसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद अगली जो संरचना है उसे कहते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद जो अगला है उसे कहते हैं लेसर हिमालय। और इसके बाद जो अगली संरचना है इसे नाम देते हैं शिवालिक। और इसके बाद अगली संरचना आपकी आती है मैदान की, प्लेन की, और इस क्षेत्र को कहते हैं पर्वतीय गिरी पाद। पाद मतलब पैर, गिरी मतलब जहां पर पर्वत के पैर हैं उसे गिरीपाद कहते हैं। ये यहां से खत्म होकर मैदान शुरू हो जाता है।
इसे आपने ट्रांस हिमालय कहा, ये पामीर का पठार है, इसके बाद ये ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय है और इसके बाद शिवालिक हिमालय है। और आपने पीछे पढ़ रखा है कि ग्रेट ये काराकोरम को और ये ग्रेट हिमालय से अलग करने वाली जो संरचना उसे कहा जाता है ITSZ, इंडस सांगपो सतलज जोन, उसे इंडियन कह सकते हैं या इंडस या सिंधु नदी भी कहते हैं, वो भी याद रखना है। आई से इंडियन और साथ में इंडस सिंधु नदी भी उसे कहते हैं, सिंधु सतलज। इसके बाद यहां पे जो संरचना उसे कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे कहते हैं MBF और इसके बाद आता है HFF। यही आपने पढ़ा था, यही आपने समझा था, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये चीजें यहां पर मौजूद हैं। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं समुद्र तल। और जो भारत में ऊंचाई मापी जाती है कि कितने ऊंचे हैं, तो समुद्र तल से नापी जाती है। और समुद्र तल लिया कहां का जाता है, तो चेन्नई का समुद्र तल लिया जाता है। क्वेश्चन आता है SSC वगैरह में कि चेन्नई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई को मापा जाता है। ये जो मैंने जिग जैग बनाया, ये इसका रूप है, ये यहां पर जो बनाया है इसका जी, ये जो बनाया था ना, ये वाला, ये पहले नंबर का नंबर, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा, और इनके बीच में ये वाला जो एरिया है ना, इसी के नाम आपने लिखे हैं ITSZ और सारा और सारा और बहुत सारा। आगे चलो, आपने यहां पे लिखा काराकोरम, यहां पे क्या लिखा काराकोरम, लेकिन आगे आपने क्या लिख दिया काराकोरम की जगह ट्रांस हिमालय। तो दरअसल जो ट्रांस हिमालय है वो केवल भारत में नहीं है, बल्कि वो भारत के अलावा भारत के पीछे वाली संरचनाओं में भी पाया जाता है, अन्य देशों में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी कुछ चला जाता है। तो पाकिस्तान में इसे साल्टेरो नाम से एक जगह है, तो पूछा जाता है कि साल्टेरो कहां पे है, तो ये काराकोरम का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जो भारत से बाहर पाया जाता है। अब आगे चलते थोड़ा सा और समझते हैं, अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और बड़ा बनाना है। ओके, जम्मू कश्मीर लग रहा है, इसको मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर का, इसे आप कहते हो ट्रांस हिमालय, ये यहां भी है, पूरा एक रीजन है, ये यहां भी है, इस तरह से पूरी एक लंबी लेंथ है और ऊपर है पामीर का पठार, जिसे पामीर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसके ऊपर इस लाइन के बाद अगला क्षेत्र है, इस वाले एरिया को जो अलग कर रहा है उसे कहते हैं ITSZ। अगला जो क्षेत्र है MCT कहते हैं, अगला जो क्षेत्र उसे कहते हैं MBF। ये लाइन है जो अलग कर रही है, और इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र इसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट HFF। ये ऊपर वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसे हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। इसके बाद अगला जो है इसे कहते हैं ग्रेट हिमालय। इसके बाद अगला जो आता है उसे कहते हैं लघु हिमालय। इसे ग्रेट को ही बृहद हिमालय भी कहते हैं, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय से पहले, ट्रांस मतलब हिमालय से पहले, और लघु हिमालय इसके बाद शिवालिक। ओके, शिवालिक के बाद नीचे मैदान शुरू हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कुल मिला के आपको इस चारों की लोकेशन समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो लाइन है यहां से आपकी सिंधु और सतलज दोनों नदियों का संबंध है, इंडस प्लस सतलज। यहां पे जो आपने पीछे लिखा था एक जगह पे, ये जो इंडियन है, ये इंडियन के साथ इसे सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये MCT है, ये MBF, ये अलग करने वाली संरचना है। अब एक एक को पढ़ेंगे, एक एक वर्ड उठाएंगे,
ट्रांस हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय का पूरा पढ़ना है, फिर ग्रेट हिमालय करेंगे, फिर लघु हिमालय करेंगे, और फिर शिवालिक करेंगे, तब जाके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं, नंबर एक उठाते हैं ट्रांस हिमालय। थकना नहीं है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, कलेक्टर का, कलेक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिएगा, मैं आपको बताता हूं ट्रांस हिमालय। केवल ट्रांस हिमालय उठाएंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उसमें एक तो पाया जाता है आपका सालतेरो, सालतेरो के साथ आपका पाया जाता है एक पहाड़ी जिसका नाम है काराकोरम। एक है लद्दाख और एक है जास्कर, ये पहाड़ियां हैं जिनके अलग अलग नाम है। एक सालतेरो होगा, एक काराकोरम होगा, एक लद्दाख होगा और एक जास्कर, केवल और केवल ट्रांस हिमालय में इतना पाया जाता है। ग्रेट हिमालय के पहले वाला जो भारत है वहां पर इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। देखते हैं सालतेरो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, क्या इन दोनों को कुछ अलग कर रहा होगा? जरूर कर रहा होगा। यहां पे एक नदी आती है सोएक की सहायक नदी सालतेरो, वही इनको अलग करती है। क्योंकि ये भारत का पार्ट नहीं है, पूछा जाता काराकोरम के उत्तर में क्या है, तो सालतेरो पाया जाता, वही एक नदी भी है, हम इसे हटा देते हैं। ये सिर्फ आपको कुछ कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज आती है उनमें यह क्वेश्चन पूछा जाता, ताकि आप परेशान हो जाए, उसे नहीं मतलब रखते हैं। काराकोरम एक पर्वत है, लद्दाख एक पर्वत है, जास्कर एक पर्वत है, तो जाहिर सी बात है दोनों पर्वत के बीच अंतर होगा जो दोनों को अलग कर रहा होगा, और पर्वत जो दोनों को अलग करता है उसे कुछ ना कुछ तो नाम देंगे, इसे भी कुछ ना कुछ नाम देंगे, तो इसे हम नाम देते हैं स्योक नदी। एक नदी है स्योक जो क्या करती है, काराकोरम को लद्दाख से अलग करने का काम करती है, काराकोरम को लद्दाख से अलग करने का काम करती है। लद्दाख को जास्कर से कौन अलग करता है? ITSZ। आप कहोगे कि सर जी अभी आपने बताया था कि ITSZ जो है वो ग्रेट हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है ITSZ, तो फिर आपने ट्रांस हिमालय के ही दो पार्ट कैसे बना दिए? तो वो मैं आपको समझाता हूं वो कैसे बन गए दो पार्ट। ये वाली लाइन आपकी कौन सी है? ये आपकी ITSZ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप कह रहे हो काराकोरम है, ये हो गया आपका काराकोरम, ऊपर का हो गया क्या आपका काराकोरम, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका जास्कर, ये वाला हो गया आपका जास्कर पर्वत, ठीक है। अगला कौन सा हो गया? जास्कर। ये जो सॉरी लद्दाख, जास्कर इसको क्या कहेंगे, लद्दाख। और ये जो जास्कर है एक्चुअली में ये पार्ट किसका है, ये भाग किसका है? ये भाग है ग्रेट हिमालय का, लेकिन लोकेशन इसकी जो है वो यहां पर आ जाती है। बस इतना सा समस्या है कि जो जास्कर है उसकी लोकेशन यहां आ जाती है। भाग किसका है जास्कर? ग्रेट हिमालय का, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो ITSZ से डिवाइड होती है, इस वजह से हम इसके साथ पढ़ते हैं। जास्कर पर्वत जो है ये किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालय का है, लोकेशन बस इसकी शिफ्ट हो गई है, लोकेशन ट्रांस हिमालय के साथ इसको पढ़ा जाता है। तो कुल मिला के ऊपर का जब हम देख रहे थे तो हमें कौन कौन सी चीजें मिली? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब एक एक वर्ड यहां पे क्लियर करते हैं, काराकोरम के फैक्ट, लद्दाख के फैक्ट और जास्कर के फैक्ट एक एक क्लियर करते हैं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों को अलग करने वाली स्योक नदी है, स्योक नदी है कौन? तो यह सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह है सिंधु की सहायक नदी, और यहां पर स्वयं सिंधु नदी है। लद्दाख और जास्कर को अलग जो कर रही है वो स्वयं कौन सी नदी अलग कर रही है? सिंधु नदी स्वयं अलग करने का काम करती है। कोई बात नहीं, खुश हो जाइएगा। और अब चलते हैं आगे। आपने
तीन चीजें पढ़ी, एक का नाम आपने रखा काराकोरम, एक का नाम आपने रखा लद्दाख, एक का नाम आपने रखा जास्कर। ये ट्रांस हिमालय के रूप में हम पढ़ रहे हैं। अब एक एक यहां पे फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। काराकोरम को ही हम नाम देते हैं कृष्णगिरी का, इसे किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं कृष्णगिरी भी इसे कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात काराकोरम की, ये पूरी तरह से बर्फ से भरा रहता है, बर्फ अधिकांशता, यहां पे अधिकांशता क्या रहता है, तो यहां पे अधिकांशता बर्फ भरी रहती है या बर्फ जमा रहती है, कोई बात नहीं। काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन अष्टिन है। कौन सी चोटी है, केटू, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है केटू या माउंट केटू या गाडविन अष्टिन भी उसी को कहा जाता है। ओके, कोई बात नहीं। यहां पर और बहुत सारी चोटियां हैं जैसे गैसर ब्रह्म एक, गैसर ब्रह्म दो, इसी तरह से यहां पे मासर ब्रह्म नाम की भी पर्वत या चोटियां एक दो तीन, इसी तरह से बहुत सारी चोटियां यहां पे पाई जाती हैं। ये जो केटू है ना, इसकी ऊंचाई लगभग 8611 के नियर अबाउट ऊंचाई है। ये याद नहीं करना है, बस इतना माइंड में सेटअप रहे यहां लगभग इतना है। दूसरी बात, ये जो चोटी है ये है कहां पे, ये पड़ती पीओके में, कहां पड़ती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो भारत अभी कब्जे में, ये भारत के नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है। मैपिंग में आपको और दिखाता हूं, ये यहां पे पड़ता है केटू, गडविन अष्टिन, गैसर ब्रह्म, मासर ब्रह्म, ये सब यहां पड़ता है, यहां पर केटू पड़ता है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये है पीओके का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये वाला आपका यहां पे सियाचिन, और इधर ये चीन ऑक्युपाइड चला जाता है, चीन के अधीन उधर चला जाता है। हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहां पे हमने काराकोरम समझा। काराकोरम में कोई भी दर्रे वगैरह की यहां पे बात नहीं, क्योंकि बर्फ से पूरा का पूरा क्या रहता है, भरा रहता है। हां, यहां पे जो अगली इंपॉर्टेंट बात है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां बर्फ बहती है, नदी में पानी की जगह बर्फ बहने लगे या बर्फ बहे, उसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो ग्लेशियर हैं जैसे बाल्टेयर, ये ग्लेशियर का नाम है, बियाफो और हिस्पर, ये यहां के क्या हैं, ग्लेशियर हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम है सियाचिन, सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल या सैनिक यहां पे छावनी बनाई गई है। जो ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है काराकोरम का, वो मैं यहां पे लिख देता हूं सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचाई में है और सबसे अच्छा, जो आप ज्यादा नाम सुनते होंगे, सियाचिन ग्लेशियर से ही एक हिम नदी निकलती है, आइस रिवर निकलती है, जिसका नाम है नुब्रा। कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी। इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है, जो कि अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए, पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहां पे पूरा बर्फ जमा है, उसे छोड़ दिया जाए तो सबसे लंबी विश्व की नदी कौन सी है, नुब्रा हिम नदी, आइस रिवर सबसे लंबी है। कब, जब हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़ दें, तो बीच का जो एरिया है वहां पे सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, नुब्रा, जो कि आइस रिवर है। कहां बहती है, काराकोरम में बहती है, और इसे सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर बहने वाली आइस हिम नदी मानी जाती है। ओके, चलेगा। तो ये आपका काराकोरम का कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं लद्दाख की। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो इसकी एक चोटी है जिसका नाम है माउंट राकापोसी। इसकी एक चोटी, उसका नाम क्या है, माउंट राकापोसी। एक और चोटी है, उसका नाम है गुरला मानधाता, गुरला
मानधाता, ये इसकी एक और चोटी लेकिन उससे मतलब नहीं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट राकापोसी। खास बात क्या है, माउंट राकापोसी सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। माउंट राकापोसी क्या है, सबसे तीव्र ढाल की चोटी होती है, माउंट राकापोसी कहते हैं। तीव्र ढाल का मतलब क्या है, हमारे पर्वत इस तरह से होते हैं, हल्का हल्का ऊपर चढ़ते जाओ, हल्का हल्का नीचे उतरते जाओ, लेकिन माउंट राकापोसी ऐसी है कि इधर एक तरफ से तो ठीक है ऊंचाई, लेकिन आगे सीधी तीव्र ढाल, अगर आप यहां से गिरे तो सीधे नीचे चले आओ, इसे कहते हैं तीव्र ढाल की चोटी। कहां है, लद्दाख में पाई जाती है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं, ये जो लद्दाख है, लद्दाख में और भी कुछ चीजें पाई जाती हैं, जैसे यहां पे पाए जाते हैं दर्रे, एक दिन 15 मिनट लूंगा दर्रे में, 15 मिनट दर्रे आपको पढ़ाऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, जीवन में दोबारा दर्रे नहीं पढ़ने हैं, एक शॉर्ट ट्रिक, सारे के सारे दर्रे कंप्लीट, चाहे एसएससी का एग्जाम दो या यूपीएससी का दो, फट से उसी से सारे के सारे दर्रे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, तो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, और 2 मिनट का दर्रे का किसी दिन दे दूंगा आपको, है ना। तो चलिएगा, हम बात करते हैं दर्रे के, तो यहां पे जो दर्रे हैं उनमें जैसे चांगली, चारलिंगला, देखो जहां कहीं ला शब्द लिखा हो ना अलग से, तो इसका मतलब दर्रा होता है, जारा लिया, काराकोरम। अब आप कहोगे सर जी काराकोरम तो छोटी, आपने पर्वत श्रृंखला पहले पढ़ाई थी, तो कोई बात नहीं, काराकोरम नामक का जो दर्रा है वो कहां पाया जाता है, वो यहां पाया जाता है, जारा लिया, चारलिंगला, ये तो हो गया ना, चारलिंगला, जारा लिया, काराकोरम, ऐसे बहुत सारे यहां पे दर्रे पाए जाते हैं जो लद्दाख की फेमस है। काराकोरम हो गया, लनकला लिख लीजिएगा, एक लनकला, चारलिंगला, जारा लिया, काराकोरम, ललकना, बहुत सारे हैं इसके दर्रे, इतने ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ललकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख हो गया। अब लद्दाख के बाद आगे चलते हैं, कौन सा है, अगला है जास्कर, और चूंकि आपको पता है जास्कर के बारे में कि जास्कर कैसा है, जास्कर किसका हिस्सा था, जास्कर हिस्सा ग्रेट हिमालय का, तो डोंट टेक टेंशन, बस जास्कर में इतना लिख लीजिएगा कि जास्कर में कामेत पर्वत पाया जाता है, जास्कर में कामेत। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, ये ऊपर का आपने कंप्लीट किया, अब चलते हैं ग्रेट हिमालय पढ़ना है, अब हमें क्या पढ़ना है, ग्रेट हिमालय, तो आइए ग्रेट हिमालय पढ़ते हैं। एक तो पहले बात करें ट्रांस हिमालय और एक है ग्रेट हिमालय, इन दोनों को जो अलग करता उसे कहते हैं एमसीटी, सॉरी इन दोनों क्या कहते हैं, इन दोनों कहते हैं ITSZ, ये इतना याद रखना है। अब हम इसे उठाकर पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और इधर जो संरचना होगी लघु हिमालय वाली, उससे अलग कौन करेगा, उससे करेगा MCT। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेट हिमालय को अलग करने वाली संरचनाओं के नाम बताओ, ऑप्शन ए ITSZ और MBF, ऑप्शन दो ITSZ और MBF, अलग अलग दे सकता है, तो हमें याद रखना है कि इन दोनों को अलग करने वाली संरचना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट और ITSZ, ये दोनों को अलग करता है, तब हम इसे पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय को। आइए चलते हैं, सबसे पहले तो हमें बनाना है मैप, ऊपर वाला एरिया तो आपका काराकोरम हो गया, काम खत्म। अब यहां पर एक जगह है जिसे कहते हैं नंगा पर्वत,
नंगा पर्वत से ग्रेट हिमालय शुरू होता है और इस तरह से ये कहाँ तक चला जाता है, तो ये यहाँ पे आपका आगे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश तक ये लगातार है और वहां पे इसकी पर्वत का नाम है नमचा बरुआ। पर्वत का क्या नाम है? नमचा बरुआ, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, मतलब जम्मू कश्मीर से यह शुरू होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और आगे आपको मिलेगा नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद आपको क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। वहां तक ये आपका चलता हुआ चला जाता है, ग्रेट हिमालय। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, सबसे लंबी और सबसे ऊंची। बृहद या महान हिमालय, ये ऊपर का केवल भारत मान लीजिएगा, और इसमें मैं आपको बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये यहां से शुरू होता है, यहां तक जाता है और फिर यहां से मुड़ जाता है। ये आपका है ग्रेट हिमालय, यहां पे आपका पड़ता है नंगा पर्वत, यहां पे पड़ता है नमचा बरुआ। हम एक लाइन में पूरा लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। ये यहां से शुरू करेंगे और यहां तक लेकर आ जाएंगे। शुरू कहां से होता है? जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। खत्म कहां पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में खत्म होता है। यहां पर जो पर्वत है उसका नाम है नंगा पर्वत। बीच में आपको एक एरिया मिलेगा जो कि किसका है? जो कि नेपाल का है। यहां पे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश और आपको मिलेगा यूके या उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, और यहां आपको मिलेगा सिक्किम, भारत का ही एक राज्य है जो सिक्किम, और उसके बाद आपको ये वाला अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा। आप मैप में अपने देख सकते हैं, आपको और आसानी होगी। वैसे मैं इससे जितना हो सकता है वो मैं उतनी आपको पिक्चर बना के दिखा दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में ग्रेट हिमालय को। ओके, यहां पे तो नंगा पर्वत हो गया। इसके बाद आप आएंगे उत्तराखंड में, तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा कामेत, सॉरी कामेत से पहले कई बार क्रम पूछ लेता, तो आप ये याद रखिएगा कि यहां पे आपको मिलेगा एक नंदा देवी। ये आपका जो नंदा देवी है ये नेशनल पार्क भी है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट जगह है नंदा देवी, यूनेस्को के मैप में भी शामिल है नंदा देवी, कामेत और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आपके सारे किसमें मिल जाएंगे? ये आपके मिल जाएंगे उत्तराखंड में। नेपाल की बात करें तो नेपाल में आपको मिलेगा मकालू, धकालू, अन्नपूर्णा, ये चोटियों के नाम है जो हिमालय हिमालय की नेपाल में चोटियां हैं, एवरेस्ट। छोयू, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज की पूरी क्लास का जो क्रैक्स निकलना वो क्या है? एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नो डाउट। ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू काराकोरम में है। कहां पे है? काराकोरम में। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये 1848 है, वो 8611 है ऊंचाई में। इसके बाद ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहां पे इंडिया प्लस नेपाल या इंडिया में कह सकते हैं सिक्किम, इनकी दोनों की बाउंड्री में जो कि भारत में पड़ता है, नाम है कंचनजंगा। ये भी एक पर्वत है। और अगर पूछा जाए कि
कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दो, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, ये है आपका हिमालय, इसे हम हिमालय कहते हैं, वो ट्रांस हिमालय, हिमालय के पहले, और ये हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय की भारत में, और पूछा जाए केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2, और पूछा जाए कि महान हिमालय ग्रेट हिमालय की भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो भारत में कंचनजंगा, दूसरी नंगा पर्वत, सबसे ऊंची जो दूसरी चोटी उसका नाम क्या है, उसका नाम है नंगा पर्वत। और इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा, वहां पे एक सिंटैक्सियल बेंड होता है, जहां से हिमालय तुरंत मुड़ जाता है उसे कहा जाता है सिंटैक्सियल बेंड, जैसे वो आप देखेंगे लड़कियों का पिन होता है ना जो बाल में लगाती पिन, वो इसी तरह से मुड़ा रहता है इस तरह से, तो उसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं, तुरंत वहां से मुड़ जाता है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ओके, तो कुल मिला के आपका जो ग्रेट हिमालय है उसमें ये सारी चीजें आपको मिल गई। अब आगे आता है कि ग्रेट हिमालय में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालय में दर्रे पाए जाते हैं, जैसे ये सारे दर्रे हैं जो ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं, आपने देखा ग्रेट हिमालय कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है और सिक्किम में है, तो दर्रे भी यही होंगे, हम यही दर्रे 1, 2, 3, 4 दर्रे आगे आपको लिखा चुके हैं, बुरजिल्ला और जोजिल्ला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है, 12 लाचाला और सिप किला ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, लिपु लेक और नीति दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और नाथुला जल दल्ला आपके कहां पे दर्रे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिक्किम में। आप कहोगे सर दर्रे किसे कहते हैं, तो वैसे तो ये पर्वत होते हैं लेकिन एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच जो सामान्य रास्ता होता है, फॉल्ट होता है, दो पर्वतों को फाड़ दिया जाता है या फटा होता है जहां से आदमी आसानी से आ जा सकता है, रास्ते होते जिनसे नदियां निकलती हैं, उसे दर्रे या फॉल्ट कहा जाता। तो ये आपके जो दर्रे थे, जैसे कि अब बुरजिल्ला और जो जिला है इनमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो सुरंग बनाई गई है, जवाहर सुरंग, वो किन किन से होकर जाती है। बारालाच और सिपकिला की बात करें तो यहां से सतलज नदी आती होगी, कहीं से काली नदी आती होगी, यहां पे नीति पास और लिपु लेक जो दर्रे हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि यहां से कौन सी चीजें इंटर करती हैं, काली नदी कहां से आती है, तीस्ता नदी किससे संबंध रखती है, भूटान और सिक्किम दोनों की जो राजधानियां गंगटोक कौन जोड़ता है, उधर थिम्पू के साथ और इसका सिक्किम में, ये आप जब आप देखोगे जैसे ये सिक्किम आपका बना तो इधर आपका भूटान पड़ जाएगा, इधर आपका वो तिब्बत पड़ जाएगा, तो इनकी राजधानी से सिक्किम की राजधानी के जो संबंध है, जो यहां पे दर्रे हैं जैसे नाथुला और जलदल्ला, ये दर्रे हैं जो दो राजधानियों को जोड़ते हैं, ये सारा बहुत फैक्ट है, बहुत सारा पॉइंट है, सब हमें पढ़ना है, ये सब हम आज की क्लास यहीं पर, चूंकि टाइम हो गया है तो कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा और क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।